हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने 6 महीने में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 6.10% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6 महीने में 18.33% का रिटर्न है और अगर इसकी एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 39.62% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 13.96 रुपये। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 905 करोड़ का। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,011 रुपया होता और 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,08,780 रुपया होता। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर अगर हम लोग टोटल स्टॉक देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 34 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हेल्थ केयर, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, अजंता फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 98% और कैश पे है 2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो हेल्थ केयर पे है 99.6% और अदर्स पे है 0.4%। अब इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 39.69 और PB रेशियो 4.87। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 महीने में 3 महीने पे 11.5, 6 महीने पे 17.1 और एनुअल है 37.4 का। और अभी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी नया है और नया होने के बावजूद टॉप 5 से लेकर के टॉप 6 तक ये अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक फार्मा एंड हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.04% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पुराना नियम के हिसाब से बजट के बाद से ये नियम चेंज होकर के अब 20% का आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो पहले था 10% का टैक्स देना, अब है 12.5% का आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से।
निखिल माथुर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,539 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 13.96 रुपये। बात करते हैं HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।